आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज का अपना टॉपिक है ऑपरेशन एंड क्लीनिंग ऑफ मल्टीमिल। तो शुरू करते हैं। ये जो मल्टीमिल है उसका मेक है प्रिज्म का और जीएमपी मॉडल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं प्रोसीजर। हैंडल द स्क्रीन केयरफुली ड्यूरिंग द यूसेज एंड क्लीनिंग। जो स्क्रीन है हमको केयरफुली हैंडल करनी है। अवॉइड द टचिंग ऑफ स्क्रीन सरफेस विथ एनी टाइप ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट। यूज पीपी लाइक हैंड ग्लोव्स, नोज मास्क ड्यूरिंग यूसेज क्लीनिंग ऑफ अ स्क्रीन। चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द स्क्रीन बिफोर एंड आफ्टर यूज एज पर द एसओपी एंड रिकॉर्ड। तो ऑपरेशन चेक करना है हमका इसका। तो प्री वर्क है कि क्लीन लेवल होना चाहिए इन केस ऑफ टाइप बी क्लीनिंग। इंश्योर दैट द स्वैब रिंस वाटर सैंपल शैल बी रिलीज बाय क्यूसी डिपार्टमेंट। हमको जब भी कोई भी टाइप बी क्लीन इक्विपमेंट लेना है तो उसका टाइप बी होने के बाद रिंस या स्वैब रिलीज क्यूसी से होना चाहिए। ये हमको पहले चेक करके उसको यूज में लेना है। विजुअली इंस्पेक्ट द मल्टीमिल एंड सराउंडिंग एरिया फॉर क्लीनलीनेस के लिए हमको चेक करना है। तो सेटिंग कैसे करते हैं। फिक्स द नाइफ ऑन द बिटर असेंबली। तो जैसे कि मैं बिटर असेंबली आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये देखो ये बिटर असेंबली है, इसमें ये नाइफ्स लगे हैं। तो ये टोटल 12 होते हैं। ये 3 4 12। तो ये 12 होते हैं टोटल, तीन तीन के। और आपको विशेष मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे दोस्तों नाइफ फॉरवर्ड और इम्पैक्ट फॉरवर्ड, ठीक है, ये दोनों यहाँ मतलब कि ऑपरेशन में चलता है। नाइफ फॉरवर्ड मतलब कि जो जिस साइड ये जो ब्लेड है, ब्लेड का जो धार की साइड सामने है, ये नाइफ फॉरवर्ड है। और इम्पैक्ट फॉरवर्ड आती है ये बैक साइड से। तो ये थोड़ा मोटा पार्ट्स होता है और ये इसको धार लगाई है। अगर हमको कोई भी साइजिंग करनी है तो नाइफ फॉरवर्ड होगा। अगर हमको उसको लम्स करना है या मतलब खाली लम्स तोड़ने हैं या पूरा फाइंस करना है तो इम्पैक्ट फॉरवर्ड। तो ये 12 ब्लेड्स है। और लास्ट की आपको ये जो स्क्रीन में दिख रही होगी ये 2 ब्लेड्स है, ये स्क्रैपर ब्लेड है ये 2। तो जो भी इसका बेस प्लेट होती है मल्टीमिल हाउसिंग में, तो ये बेस प्लेट के ऊपर जो भी मतलब कटिंग होके पाउडर जो नीचे बेस प्लेट पे रहता है तो उसको स्क्रैप करने के लिए, तो ये 2 स्क्रैपर ब्लेड दी गई है। ये है बिटर असेंबली। यहाँ एक स्लॉट होता है, उसके स्लॉट में एक की आती है, वो की डाल के हमको इसको असेंबल करना है। तो ये मल्टीमिल का पिक्चर है। ये हॉपर है, यहाँ ऊपर हाउसिंग में जो मोटर में बेल्ट अटैच होता है, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ आपको आरपीएम दिखेगा, ये आरपीएम नॉब, ये रिवर्स और फॉरवर्ड का बटन है, ठीक है। ये इमरजेंसी ऑन ऑफ, ये आपकी मल्टीमिल की हाउसिंग है। और ये टोटल पिक्चर आप मल्टीमिल का देख रहे हैं। तो ऑपरेशन सेटिंग कैसे करते हैं। फिक्स द नाइफ ऑन द बीटर असेंबली। फिक्स द बीटर ऑन द सेंट्रल रॉड ऑफ द मेन शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ द फिक्सिंग स्क्रू। फिक्स द स्क्रीन विद द बेस प्लेट। टाइट द प्लेट विद द नट्स। फिक्स द चेंबर विद द हेल्प ऑफ क्लैंप्स। फिक्स द फीडर हॉपर, ठीक है। तो ये फिक्सिंग की जो प्रोसेस है उसी हिसाब से हमको बिटर असेंबली फिक्स करनी है। मल्टीमिल ऑपरेशन प्रोसीजर। चेक द क्लीनलीनेस ऑफ द एरिया। एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम द प्रीवियस प्रोडक्ट रिमेनेंट्स। चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द स्क्रीन बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन। हमको इसलिए चेक करना है कि अगर कोई इंटीग्रिटी फेल होती है तो वो मेटल पार्टिकल जनरेट करके प्रोडक्ट में जाने के चांसेस है। तो इसलिए हमको इंटीग्रिटी बिफोर ऑपरेशन और आफ्टर ऑपरेशन हमको चेक करना है।
Before starting the operation, production person shall get the line clearance from IPQA person and affix the status label with product name, batch details on equipment and area. Fix the milling housing. Fix the beater assembly. Fit the screen of required size. जो भी हमको size की screen चाहिए वो screen लेनी है. And the hopper properly. Set the multi-mill in required direction. Beater type. Blades reverse or forward. Reverse or forward by rotating the button. Then adjust the required speed by the rotating the knob provided on the control panel. ठीक है. RPM BMR में दिया रहेगा या अगर नहीं है तो हमको क्या required का RPM है वो RPM हमको knob से rotate करके हमको उतना required RPM हमको लेना है. Tie the poly bags to the discharge hood of a multi-mill. Put the double line poly bag in a process container and place the container below the discharge port of a multi-mill. Switch on the main supply, then press the green button and load the material. Adjust the chute plate so that material shall be free. Material shall be fed slowly for smooth functioning. Control the flow with stopper plate and ensure the hopper shall not charge heavily, otherwise multi-mill shall be get blocked. अगर हम लोग ज्यादा material डालते रहेंगे तो multi-mill choke हो सकती है. ठीक है. Switch off the mains after completion of the operation. Record the operation time in BMR and equipment logbook and affix the to be clean label. ठीक है. तो ये operation हुआ. यहाँ ये भी होता है कि जैसे इसका preventive maintenance होता है तो preventive maintenance quarterly होता है. और noise level not more than 80 decibel होता है. RPM calibration भी होता है जो tachometer लाके RPM count करते हैं. तो हमको जैसे set करना है RPM जो format में दिया है उसके हिसाब से और उतना RPM हमको tachometer में show होना चाहिए. तो वो RPM के लिए noise level और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. तो टाइप ए क्लीनिंग प्रोसीजर हमको अभी देखनी है. क्लीनिंग ड्यूरिंग द बैच चेंज ओवर ऑफ सेम प्रोडक्ट. अगर सेम प्रोडक्ट है तो बैच टू बैच में लोअर स्ट्रेंथ टू हायर स्ट्रेंथ. अगर कलर और फ्लेवर आपका सेम है और पोस्ट मेंटेनेंस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स. अगर मेंटेनेंस हो रहा है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स का उस केसेस में हमको टाइप ए करना है. रिमूव द टू बी क्लीन लेबल. ठीक है. स्विच ऑफ द मेन सप्लाई. रिमूव द इलेक्ट्रिक प्लग फ्रॉम सॉकेट. क्लीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ मल्टीमिल विद ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ. इंश्योर दैट द नो मेजर रेसिड्यूज ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट लेफ्ट इन द इक्विपमेंट. ज्यादा पाउडर नहीं रहना चाहिए. ट्रेसेस रहेगा तो चलेगा मगर पाउडर का अकुमुलेशन नहीं होना चाहिए. क्लीन द ऑपरेटिंग पैनल इलेक्ट्रिक केबल एंड व्हील्स ऑफ द ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ. After visual inspection, affix the clean status label. Record the cleaning details in equipment logbook. तो इसकी frequency है. Type A cleaning shall be done after every batch of completion. और या अगर campaign चल रहा है तो कितने batches का campaign as per company policies अलग अलग होती है. कोई 5 batches देता है, कोई 9 batches देता है, कोई 7 batches देता है. तो as per company policy जो भी उन्होंने batches यहाँ डिफाइन की है वो यहाँ बैचेस आएगी. और डेज होगा तो वो डेज में 1 week 2 week तो ये डेज में यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी. टाइप बी क्लीनिंग की प्रोसीजर अभी देखते हैं कि क्लीनिंग ड्यूरिंग द चेंज ओवर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स विथ डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहा है तो हमको टाइप बी करना है. उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट भी अलग है, कलर है अलग, फ्लेवर है और हायर टू लोअर जा रहे हैं और पोस्ट मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स. टाइप ए में क्या था कि नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स था और इसमें कॉन्टैक्ट पार्ट्स का अगर मेंटेनेंस एक्टिविटी हो रही है तो हमको टाइप बी परफॉर्म करनी है. व्हेन द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट नोन
अगर हमको नेक्स्ट प्रोडक्ट भी हमको पता नहीं है तब भी हमको टाइप बी करना है और फ्यूमिगेशन होने के बाद। तो इतनी सारी कंडीशन दी गई है टाइप बी के लिए। तो उसकी प्रोसीजर अभी देखते हैं। क्लीनिंग बाय यूजिंग द हाई प्रेशर वाटर जेट सिस्टम। वाटर जेट सिस्टम जो है तो उसको हमको यूज करना है, वही उसको कार्चर मशीन भी बोलते हैं। रिमूव द टू बी क्लीन स्टेटस लेबल, स्विच ऑफ द मेन सप्लाई, रिमूव द इलेक्ट्रिक प्लग, कवर द ऑपरेटिंग पैनल, जो ऑपरेटिंग पैनल है पॉलीबैग से कवर करना है ताकि उसमें पानी ना जाए, अगर पानी गया तो फिर मोटर या जो भी सर्किट है वो डैमेज हो सकते हैं। अनलॉक द क्लैम्प्स एंड ओपन द डिस्चार्ज असेंबली, रिमूव द स्क्रीन, स्क्रीन निकालनी है, बेस प्लेट, नाइफ एंड नाइफ होल्डिंग असेंबली, कनेक्ट द पोर्टेबल वाटर पाइप टू द कार्चर मशीन एंड रन द कार्चर मशीन, स्प्रे द हाई प्रेशर पोर्टेबल वाटर ऑन इक्विपमेंट सरफेस, अपर मेन असेंबली, नॉट लेस देन मिनट, तो 2 मिनट या 3 मिनट होता है, एट प्रेशर ये 50 से 70 केजी पर सीएम स्क्वायर, ये इतना ही प्रेशर लगभग यूज किया जाता है, 50 to 70 केजी पर सीएम स्क्वायर, दैट इज पोर्टेबल वाटर नॉट लेस देन 10 से 15 लीटर हमको यूज करना है। क्लीन द बेस प्लेट, नाइफ एंड नाइफ होल्डिंग असेंबली फॉर द 5 मिनट तक, एट प्रेशर 50 to 70 केजी पर सीएम स्क्वायर यूजिंग कार्चर मशीन, दैट इज, तो ये लगभग लगेगा 10 से 15 पोर्टेबल लीटर पोर्टेबल वाटर हमको लगेगा। विजुअली चेक द प्रेजेंस ऑफ पाउडर ऑन द सरफेस, अगर हमको कोई दिख नहीं रहा है तो टॉर्च भी आप लेके प्रीवियस प्रोडक्ट है या निकला हुआ है चेक कर सकते हो। कनेक्ट द कार्चर मशीन विद द प्यूरिफाइड वाटर पाइप, ठीक है, अभी प्यूरिफाइड वाटर को कनेक्ट करना है पाइप से। रिंस ऑल डिसमेंटल पार्ट्स लाइक मल्टीमिल विद द प्यूरिफाइड वाटर नॉट लेस देन 10 से 12 लीटर होगा, 5 टू 6 मिनट एट प्रेशर 50 टू 70 केजी पर सीएम स्क्वायर, प्यूरिफाइड वाटर 10 से 15 लीटर तक यूज होगा। रिमूव द पॉलीबैग्स एंड क्लीन द ऑपरेटिंग पैनल, पॉलीबैग जो हमने पैनल पे लगाया था वो निकाल के कंट्रोल पैनल क्लीन करना है ड्राई लीन फ्री से, क्लॉथ से। इंटीमेट टू आईपी की वे फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट एंड टेकिंग स्वैब रिंस, तो इसकी रिक्वेस्ट भी हमको इनिशिएट करनी पड़ती है स्वैब रिंस की, ठीक है, उसमें इक्विपमेंट आईडी, प्रीवियस प्रोडक्ट, प्रीवियस बैच नंबर और मल्टीमिल के जो कॉन्टैक्ट पार्ट्स है वो आएंगे, उनके नाम लिखे जाएंगे कि ये पार्ट से आपको रिंस या स्वैब लेना है, और अफिक्स द क्लीन स्टेटस लेबल, रिकॉर्ड द क्लीन डिटेल्स इन इक्विपमेंट लॉग, इफ क्लीन इक्विपमेंट्स आर नॉट यूज विद इन, तो ये होल टाइम स्टडी होती है, तो कितने दिन तक हमारा डर्टी इक्विपमेंट या क्लीन इक्विपमेंट होल टाइम स्टडी के हिसाब से, तो उसकी एसओपी होती है, तो विद इन जैसे कि मैक्सिमम 3 डेज होता है या 72 आवर्स, 48 आवर्स, ऐसे एज पर कंपनी नॉर्म वो आपको यहाँ होल टाइम डिफाइन किया जाता है, और होल्ड मोर देन समझ लो 72 आवर्स देन बिफोर यूज टाइप बी क्लीन शैल बी परफॉर्म, जैसे कि समझ लो 48 आवर्स आपका होल टाइम क्लीन इक्विपमेंट्स का दिया हुआ है, तो हमको वो मल्टीमेल क्लीन करके हम लोग 48 आवर्स रख सकते हैं। अगर 48 आवर्स के बाद भी मतलब 48 आवर्स होने तक हमने अगर मल्टीमेल यूज नहीं की है तो हमको 48 आवर्स के बाद मल्टीमेल को फिर से दोबारा टाइप भी करना है और फिर यूज में लेना है, देन बिफोर यूज आउट टाइप बी क्लीनिंग शैल बी परफॉर्म। फ्रीक्वेंसी टाइप बी की दी है, टाइप बी क्लीनिंग शैल बी परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जो भी 1 वीक या 9 डेज, 7 डेज या 7 बैचेस इन कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग, और 1 वीक डेज जो भी है 7 डेज, विच एवर इज अर्लियर और वेन एवर रिक्वायर्ड, जो भी हमने कंपनी की पॉलिसी डिफाइन करेगी उसके हिसाब से 5 बैचेस, 7 बैचेस या 9 बैचेस, उसके बाद हमको टाइप भी करनी है अगर आपका प्रोडक्ट कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग में है तो।
तो हार्ड टू क्लीन पार्ट्स हमको मल्टीमिल के यहाँ देखने हैं। तो हार्ड टू क्लीन पार्ट्स मतलब कि जो इजीली क्लीन नहीं होते हैं, क्लीनिंग में दिक्कत आती है और वहाँ प्रीवियस प्रोडक्ट रहने के चांसेस है। तो ऐसे पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो चार्जिंग हॉपर है, इंटरनल सरफेस एंड कॉर्नर्स, ब्लेड्स है, ब्लेड्स के अंदर पाउडर थोड़ा बहुत रहने का चांसेस होता है, ठीक है। इंटरनल सरफेस ऑफ बेस प्लेट, इंटरनल सरफेस ऑफ चेम्बर, डिचार्जिंग ट्यूब और एक्सटर्नल सरफेस। तो ये था दोस्तों मल्टीमिल का ऑपरेशन, उसका मेक मॉडल, उसकी सेटिंग, ऑपरेशन प्रोसीजर, टाइप ए क्लीनिंग, टाइप बी क्लीनिंग, उनकी फ्रीक्वेंसी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, नॉइज लेवल और आरपीएम कैलिब्रेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल हो के आपके इंटरव्यू या आपके नॉलेज बढ़ाने में बहुत ही सही साबित होगा। तो दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि जो मेरे भाई या सीनियर्स, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।